टाइम क्या हो रहा है? ये क्या नया कंट्रोवर्सी है? अबे यार, ये क्या नया कंट्रोवर्सी यार? वापिस अभी क्या यार, वापिस कंट्रोवर्सी? नहीं यार, टाइम क्या है? वापिस नया ऑडियो लीक? अरे यार, इन लोग सारे ऑडियोस को एक साथ लीक क्यों नहीं कर दे यार? What's up Nada Nami, this is Prashant, welcome back to the channel everyone, I hope you all are doing absolutely fine. So देखो ये वीडियो अभी skip मत करना, ना आगे बढ़ाना, ना कुछ करना, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, बस थोड़े टाइम के लिए. तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करो. ये मैं हर वीडियो में कभी नहीं बोलता हूँ, आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो शैट्स मैंने कल देखे और उससे मैं हिल गया. तो जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उसमें से 99% ऑफ लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर 20,000 लोग दिन में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से 200 लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, तो कर दो यार. एंड मेरे एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी देख लो क्या है, 1 मिनट से भी कम. मतलब वीडियो चालू कर दे, खत्म कर देते, मत करो यार, पूरा वीडियो देखो. और आज की जो वीडियो है ना, ये तो पूरा देखना, बिल्कुल भी बीच में मिस मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है. तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे कोविड से भी ज्यादा डिस्कशन हुई. हाँ, हम लोग वही टॉपिक के ऊपर कंक्लूजन वीडियो बना रहे हैं. वो वाला कंक्लूजन वीडियो अलग था जो मैंने इससे पहले बनाया था. इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसका दुकान बंद हुआ, किसका दुकान चालू होके डबल हो गया, किसका दुकान रातों रात डूब गया और किसका दुकान रातों रात बढ़ गया. तो बेसिकली इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ किसकी नैया पार हुई और किसकी डूब. तो आओ यार, बिना सर बुझाए वीडियो को स्टार्ट करें. तो सबसे पहले आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये पता है कि ये जो ड्रामा चला, ये किसके वजह से हुआ और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ. तो पहले मैं बताता हूँ कि ये चीज़ इतना ज़्यादा ऊपर क्यों गया, इतना ज़्यादा हाइप क्यों हुआ ये टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ स्टार्ट कैसे हुआ. ठीक है, तो सबसे पहले रीज़न लॉकडाउन, सेकेंड रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि लॉकडाउन के वजह से ही हुआ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉकडाउन की वजह से. नंबर 3, हम इंडियंस हैं, हमें बचपन से इस चीज़ का शौक है, जहाँ भी झगड़ा होता था हम वहाँ पे फ़ोन लेके घुस जाते थे, तो ये क्या चीज़ है. एंड नंबर 4 है यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट. नंबर 5, ये चीज़ पे बहुत लोग पहले से ही वीडियो बनाते आ रहे थे, क्रिंजी कंटेंट बोल रहे थे टिकटॉक को, बट बहुत लोग अभी इसके अगेंस्ट हुए. तो जो थोड़े बहुत लोग थे इसके पीछे भी, मतलब अगेंस्ट पे नहीं थे, उन लोग भी इसके अगेंस्ट में होके वीडियो बना. तो अभी बढ़ते हैं आगे, और अभी मैं बात करता हूँ उस टॉपिक पे, मतलब ये टॉपिक बढ़ा कैसे और आगे इतना कैसे गया. तो समझो, ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये एक पेड़ है और उस पेड़ का जड़ है एल्विश यादव. एल्विश यादव के ऊपर जितने भी जड़ हैं वो है उन क्रिएटर जो एल्विश यादव के वीडियो को देख के वीडियो बनाए. फिर उसके ऊपर आता है वो शख्स जिसके वजह से इस पेड़ पे इतने सारे फल आए. हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. मतलब इसके बाद इतनी बड़ी तबाही मची ना कि मैं क्या ही बोलूँ. कहाँ हम एक वायरस से लड़ रहे थे, बट नो, ना 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 ना, हम लड़ेंगे YouTube वर्सेस TikTok के ऊपर. अभी बात करते हैं किसको ज़्यादा फायदा हुआ इस YouTube वर्सेस TikTok कॉन्ट्रोवर्सी में. तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा वाला फायदा हुआ न्योन मैन और न्यूज़ भाई को. आपको तो पता ही होगा, जिसको नहीं भी, जो लोग नहीं भी जानते थे ना, उनको भी पता चल गया कि ये लोग कौन है. उसके बाद उन तीनों रोस्टिंग ट्रियो को, जो रोस्टिंग ट्रियो थे हमारे, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ. और उसके बाद फाइनली जिसको सबसे बड़ा वाला फायदा हुआ, तो आपको पता ही होगा कौन है, एलिमिनाटी, जिन्होंने इतना बड़ा वाला जंप लिया फ्रॉम 10.9 18.7. भाई मतलब न्योन मैन और न्यूज़ वो इतना ज़्यादा फॉर्म में थे ना यार कॉन्ट्रोवर्सी के टाइम. मतलब कोई भी न्यूज़ आई, एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो, कोई भी न्यूज़ आई फटाक से डाल दिए टॉपिक पे वीडियो. एंड भाई उनका कुछ ये हाल होगा हुआ होगा जब वही कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. तो अभी हम लोग बात करते हैं किसकी नैया डूबी.
नेचुरल डूबी नहीं ग्रोथ स्लो हो गया था. तो सबसे पहले आते हैं टेक क्रिएटर्स एक्सेप्ट टेक्निकल गुरुजी जो अभी बन चुके हैं नंबर वन टेक चैनल इन द वर्ल्ड. तो अभी इससे पहले भी लॉकडाउन से पहले भी उनको इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा था क्योंकि ज़्यादा स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं हो रहे थे. तो पहले से उनकी ग्रोथ स्लो थी और अभी ये लॉकडाउन आ गया एंड ये कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जिस पर वो वीडियो बना नहीं सकते थे. तो नंबर वन ये नेक्स्ट एलबीजीटी कम्युनिटी आपको पता ही होगा ये वर्ल्ड के वजह से उनको ज़्यादा इफेक्ट हुआ. ये चीज़ इफेक्ट हुआ जो मैंने बोला था पहले कि नैया डूबी वो सब इफेक्ट हुआ. एंड नंबर थ्री टिकटॉक कम्युनिटी टिकटॉकर्स जिनको बेमतलब का हेट मिला विदाउट एनी रीज़न उनको हेट मिले जा रहा है. देखो फाइनली अगर मैं बोलूँ ना यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कम्युनिटी के बारे में तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें हुआ ही नहीं क्योंकि हमें यूट्यूब पैसा के नाम पे चिल्लर दे रहे थे. असली प्रॉफिट तो इन दोनों प्लेटफॉर्म का हुआ जो इतने बड़े ह्यूज प्लेटफॉर्म है और इनको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है लॉकडाउन की वजह से और ये कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से. तो आई एम डैम श्योर कि इनको ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इनका फ्री में प्रमोशन हुआ एंड अच्छी. ऑल्सो आई डोंट हेट टिकटॉक. देखो टिकटॉक में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं बट ये जो क्रिंज क्रिएटर्स हैं ना टिकटॉक के उनके वजह से ये लोग छुप जाते हैं. तो देखो सेम अप्लाइज टू यूट्यूब. यूट्यूब में भी ऐसी सेम चीज़ होता है. देखो एक छोटा सा चीज़ की वजह से ये चीज़ इतना बड़ा हो गया है. देखो ये पूरा जो चीज़ है ना अभी जो चल रहा है ये पूरा अपने पसंद पे अपने ओपिनियन पे. तो अभी मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. अगर मेरे फॉलोअर्स जनरल जुबर के बहुत बड़े फैंस हैं तो हैं अगर मैं उनको कल से बोलूँ कि नहीं आपको मुंबई करने के लिए लाइफ स्टाइल के वीडियोज़ देखने और मैं वही डालूंगा आपको देखना ही पड़ेंगे वो लोग नहीं देखेंगे यार. सिंपल सी फैक्ट है वो अपने पसंद अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है. और कल मुंबई का अगर कल कोई मैं मुंबई करने के लिए बोलूँ कि नहीं आपको कल से यूट्यूब पे नहीं टिकटॉक पे वीडियो बना के डालना है तो वो नहीं डालेंगे. सिंपल सी फैक्ट है उनका पसंद है उनका चॉइस है लोग नहीं डालेंगे. तो टिकटॉक एज अ पूरे प्लेटफॉर्म को क्रिंज बोलना इट्स नॉट गुड. मुझे नहीं लगता ये सही है. अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग ये पॉइंट पे अग्री करोगे कि नहीं करोगे बट This is the fact. So that's it for the video guys. I hope you all liked the video. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लेना. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ के साथ आते रहता हूँ. और इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया तो ये मेरी आइडिया है जल्दी जल्दी जाकर फॉलो करो कि मैं वहाँ पर भी लोग कंटेंट डालते रहता हूँ. तो तब तक के लिए मैं मिलूँगा ऐसे किसी दूसरे वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ सी गाइस इन माय नेक्स्ट टाइम. स्टे होम स्टे सेफ. थोड़ा ही टाइम बाकी है.